गाइस ये देखो, ये पता नहीं क्या है, कीड़ा है कोई सा। ये देखो गाइस, ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल है। ये देखो गाइस, ये नीचे गिर गया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल कीड़ा है। ये पता नहीं कौन सा कीड़ा है ये, मगरमच्छ। ये देखो गाइस, पता नहीं। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, कलरफुल कीड़ा है। ये देखो कैसा है, उसमें वाइट ब्लैक और ये मेहंदी कलर, ये सारे मिक्स है इसमें। ये देखो वाह, अभी तो ऐसे बहुत बहुत कीड़ा अभी निकलेगा इस घर से, बिकॉज ये जंगल हो चुका है। आई होप सांप भी निकलेगा ऐसे, मुझे पता है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सुबह के टाइम 7:30 बज रहे, 7:30 बजे मैं देखो छत पे आके ब्लॉग बना रहा हूँ अपना। और हाँ, आज है जन्माष्टमी, शायद आज से ही जन्माष्टमी स्टार्ट है, तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस पता है, अभी ना आपको मेरा कैमरा धीरे धीरे हल्का हल्का डल होता दिख रहा होगा, मेरा जो फेस वेस है ये सब हल्का हल्का डल होता दिख रहा होगा, बिकॉज अभी कैमरे पर पता नहीं कुछ एक प्रॉब्लम आ गया, जैसे हल्का सा वाश्प इसमें जम रहा है कैमरे के लेंस के आगे वाश्प जम रहा है, अब फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है, फिर धीरे धीरे जम रहा है, फिर ख़त्म हो जा रहा है। और ये सीन बस छत पे है मेरे ख्याल से, बस अभी छत पे हूँ ना तो हवा चल रहा है ठंडा ठंडा सा, इसी वजह से हो सकता है। एक्चुअली ठंडी में तो लेंस पे ऐसे ही जम जाता है वाश्प। फिलहाल तो देखो अभी मैं छत पे हूँ, और खुशी को देखो, खुशी को देखो गाइस, यहाँ पे ये खेल रही है, बिकॉज इसका छुट्टी है। छोड़ दो चोट लग जाएगा इसका। देखो स्कूल का छुट्टी है गाइस, अभी कितने दिन का छुट्टी है आपका? 3 दिन का इसका छुट्टी है। कल छुट्टी कल स्कूल कैसा छुट्टी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रही 3 दिन का छुट्टी है, अभी जन्माष्टमी का सबको छुट्टी मिला, बट शनिचर को गई थी ये पढ़ने स्कूल में, और संडे को तो ऐसे छुट्टी होता है, पर आज सोमवार है तो एक दिन हुआ ना उस हिसाब से। और देखो अभी इसको, खुशी को और अमन को, ये दोनों देखो, ये बांस लेके ये दोनों लड़ रहे हैं। देखो किससे आप, छड़ से लड़ रहे हैं। देखो छोड़ दो टूट जाएगा, ओए टूट जाएगा, छोड़ दो। ये देखो इस दोनों को देखो, बात ही नहीं मान रहे। देखो इस दोनों को चोट लगेगा फिर पता चलेगा दोनों को। गाइस तो देखो फिलहाल, देखो गाइस मौसम कितना मस्त है अभी। ये देखो सुकून मिलता है यार ऐसे मौसम को देख के, सच्ची बोलूँ सबसे ज़्यादा सुकून कब मिलता है, जब ऐसे कैमरा खोलता हूँ और ऐसे देखता हूँ जब प्यार से। ये देखो ऐसे 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 जब प्यार से देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ये देखो गाइस, ये देखो फिलहाल तो चलते नीचे पहले। गाइस तो देखो अभी मैं नीचे आया हूँ, नीचे आते देखो खाना निकल चुका है यहाँ पे सुबह का, और खाने में देख सकते हो चावल है, और ये बैंगन आलू की सब्जी है, और हरी मिर्च है। तो फिलहाल अपना पहले खाना फिनिश कर लेता हूँ मैं। गाइस तो अभी देख सकते हो जंगलों में हम हैं, और अभी जा रहे हैं गंगा पट्टी में। ये देखो नाना को सामने, नाना जी, और देखो नदी दिख रहा होगा दूर से, नदी वहाँ पे, नदी पार करके जाएंगे अभी गंगा पट्टी में। गाइस तो देखो अभी नदी के पास आ चुके, नदी के किनारे के पास, और नदी पार करके हमें जाना है उस साइड। देखो बच्चे लोग को देखो नदी में कैसे नहा रहे हैं, ये देखो, और वहाँ पे देख सकते हो गाइस नाव है, इसी नाव से हम उस पार जाएंगे। गाइस तो देखो अभी नाव से पार करके इस पार आया हूँ, देखो पीछे देखो नदी, नदी अभी नाव से पार करके आ गया हूँ इस पार। और देखो अमन को यहाँ पे, और नाना को देखो बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत डर लग रहा था कहीं पानी में घुस नहीं जाऊँ। तो गाइस अभी फिलहाल चलते हैं। ये देखो गंगा पट्टी कैसा है, ये देखो कितना जंगल झाड़, हर तरफ जंगल ही झाड़ है। ये गांव पूरा जंगलों से भरा पड़ा है, गांव जो है ना एकदम घटिया गांव है, इस गांव में इंसान आके पागल हो जाता है गाइस। पर मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है इसी टाइप का गांव, जिसमें भाई एक ना स्प्राइट भी नहीं मिल सकता है गांव में, पर मुझे अच्छा लगता है। अबे कुछ नहीं इस गांव में है, स्प्राइट तो मिलेगा नहीं कभी। पहले वाले नानी के घर में आ चुके हैं, और ये देखो गाइस
अभी ये ईंटा सब निकल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी ईंटा है जो कि हम ले जाएंगे नए वाले घर पे और उसमें यूज होगा ये ईंटा। वही सब अभी छाटने के लिए यहाँ पे आए। और ये देखो कितना जंगल झाड़ हो गया, ये देखो गाइस, ये देखो ये पता नहीं क्या है, कीड़ा है कोई सा। ये देखो गाइस, ओह माय गॉड कितना ब्यूटीफुल है ये, देखो गाइस ये नीचे गिर गया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल कीड़ा है, ये पता नहीं कौन सा कीड़ा है ये, मगरमच्छ। ये देखो गाइस पता नहीं, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है यार। ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल है, कलरफुल कीड़ा है ये देखो, कैसा है उसमें वाइट ब्लैक और ये मेहंदी कलर ये सारे मिक्स है इसमें। ये देखो वाओ, अभी तो ऐसे बहुत बहुत कीड़ा अभी निकलेगा इस घर से बिकॉज ये जंगल हो चुका है। आई होप सांप भी निकलेगा ऐसे, मुझे पता है। गाइस देखो ये ऊपर का व्यू क्या ही ऑसम है, और ये देखो ये सीढ़ी पे, ये देखो ये जंगल झाड़, ये देखो ये कितना मस्त लग रहा है। ये देखो सीढ़ी पे हर जगह पे देखो ये जंगल झाड़ देखो, और ये देखो स्पेशली मेरे को ये दिखाना था। ये देखो ये गाइस ये जंगली पौधा, ये देखो हार्ट का शेप बना हुआ है पूरा, ये देखो सारे पत्तों पे। ये देखो ये हार्ट है, इससे भी ज़्यादा छोटा हार्ट ये रहा, इससे भी छोटा ये, इससे भी छोटा ये, और ये देखो, और अभी कुछ ऐसे कि अभी हो ही रहे। ये देखो, ये देखो गाइस, ये ऐसा है ना कि अगर आप यहाँ पे खड़े रह जाओ कंटिन्यू 10 दिन तो आपके ऊपर ये सारे लिपट जाएंगे। ये ऐसा होता है पौधा, ये जंगली पौधा होता है। ये देखो बाकी ये देखो गाइस ऊपर का व्यू तो क्या ही ऑसम है। ये देखो वाओ, देखो हर तरफ हरियाली ही हरियाली, ये देखो हर तरफ हरियाली ही हरियाली गाइस। ये देखो ऐसे गांव में मेरा रहने का मन हमेशा करता है, हमेशा मुझे ऐसे गांव में रहने का मन करता है। ये देखो गाइस ये तितली को देखो, ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है, पूरा हरा भरा नीला आसमान, हरे भरे पेड़ पौधे और खुला छत, और ये चमचमाती धूप और ये हवा, सब कुछ कितना अच्छा लगता है गाइस, बहुत ही सुकून मिलता है ये सब देख के मुझे। गाइस ये देखो ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये खजूर का पेड़ पहले हुआ करता था, इस पर काफ़ी सारे मीठे मीठे खजूर हुआ करते थे इस पर पहले, बट देखो अभी क्या हाल हो गया इसका। सब चीज़ का, सब पेड़ का एक समय होता है, मैं बचपन से जब मैं इतना छोटा था तब से ये पेड़ को देखते आ रहा हूँ, बचपन से समझो, और इस पेड़ का खजूर भी मैं बहुत खाया था। देखो ये छत है मेरा और ये पेड़ है, और ऐसे करके इसके डाली को भी हम ऐसे पकड़ लेते थे, बट अब वो भी नहीं पकड़ सकते, ज़्यादा दूर जाऊँगा तो सीधा पता चले छत से नीचे। ये देखो आज, और ये अभी पूरा सूख गया, ये पूरा समझो पेड़ ख़त्म हो गया, बस ये ऐसे लगा हुआ है ज़मीन में वही है बस, बाकी ये पेड़ ज़िंदा नहीं है, अब ये ख़त्म हो चुका है पूरा पेड़, पूरा सूख गया। देखो इसके कुछ, देखो ये देखो इसका कुछ तना है, देखो पूरा सूखा। गाइस तो अभी टाइम 12:30 बज रहे, और 12:30 बजे अभी भी हम यहीं हैं गंगा पट्टी में, और मेरी हालत देख के आप बता ही सकते हो कि कितना काम कर रहे थे हम लोग। सारा ईंटा घर में, जो भी ईंटा था सारा ईंटा को छांटे, उसके बाद लकड़ी वकड़ी जो भी कचरा वचरा था, सांप का बहुत डर लग रहा था हम लोग को, बट सब कुछ छांट दिया सब कुछ, और इतना जंगल था सांप का डर था, बट सांप था नहीं, मिला नहीं, एक भी सांप नहीं था घर में, बहुत ही ज़्यादा जंगल था। डर लग गया था ना गाइस, वो क्या होते रस्सी मैंने नाना के ना गर्दन पे फेंका था ना, नाना ने डर के मारे तो गाइस अभी फिलहाल देखो ठंडा में आराम कर रहे थे, पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं हम, इतना ज़्यादा थक चुके तो फिलहाल अभी देखो चलेंगे फिर थोड़ी देर बाद। गाइस तो अभी देखो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे, और टाइम 1:30 बज रहे हैं, और सारा काम कर दिया, दो सब कुछ ईंटा और लकड़ी सब बाहर रख दिया निकाल के, और अभी हम लोग जा रहे घर पे। ये देखो सामने नदी है, और अब फिर नदी पार करके जाना पड़ेगा। गाइस नदी में बह गए तो भाई सपोर्ट कर देना कुछ भी, आप लोग का घर आजू बाजू में होगा तो ना बचा लियो हम लोग को। गाइस देखो नदी पे आ गए, और नाव
नाव की तो पता नहीं, नाव इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। देखो गाइस नाव इधर ही आ रहा है, सही है। फिर गाइस तो देखो नाव पे बैठ चुके हैं अभी हम, और देख सकते हो बीच नदी में है। ये देखो नाव, और नाव देखो चला रहा है एक बच्चा और नाना यहाँ पे। देखो भाई क्लाउड कितना मस्त लग रहा है। ये देखो अभी पानी में नदी में हम, ये देखो, ये देखो गाइस, गाइस तो देखो नाव से उतर चुके अब हम, और नाना को देखो वहाँ पे, और अभी हम लोग चल रहे हैं घर पे। ये देखो कितना मस्त मौसम है, और घने जंगलों के बीच में इतना मस्त मौसम। ये देखो गाइस, गाइस तो देखो अभी घर पे मैं पहुंच चुका, और घर पे पहुंचते खाना खा रहे हैं अभी हम। देखो चावल दाल, और इधर देखो पकौड़े। गाइस तो देखो अभी शाम के टाइम में बारिश में नहा रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता है क्यों? मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, तो गाइस फ़ोन कहीं मेरा गीला ना हो जाए, इसी वजह से बहुत रिस्क है। देख सकते हो मैं बारिश में नहा रहा हूँ अभी, और फिलहाल वीडियो कहीं पे बंद कर रहा हूँ मैं अभी, बाद में आपको दिखाऊंगा नहाने के बाद, वरना पता चले मेरा फ़ोन पूरा ख़राब हो जाए, इसी वजह से बाद में मिलते हैं। गाइस तो अभी रात के टाइम 8:30 हो रहे, 8:30 बजे हम कर रहे अपना डिनर। आज डिनर में देख सकते हो चावल है और है मछली बड़ी वाली, तो हाँ पहले अपना डिनर फिनिश करते हैं। गाइस तो डिनर हो चुका है अपना, और बिना किसी बकचोदी के इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं फिलहाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।